लाइट मैं लेके आया था क्योंकि ये जो लाइट है ये लाइट से मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ और काफी सही लाइट है इससे मुझे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। और यार आज मेरे पापा का बर्थडे भी है और मैं कल केक लेने के लिए गया था शाम को। एक्चुअली मुझे लेट हो गया था केक लेने में क्योंकि यार मुझे पता नहीं था कि यार लॉकडाउन है। मैं सोच रहा था कि आज ही ख़रीद लूँगा। वैसे जो यूपी से उनको पता होगा कि सैटरडे संडे को लॉकडाउन होता है यहाँ यूपी में, तो इस वजह से मैं कल 8 बजे गया था केक ख़रीदने। और लेकिन यार मतलब 2 दिन का लॉकडाउन होता है तो इस वजह से केक की जितनी भी शॉप थी वहाँ पर मतलब केक कम थे। और तो मैं गया पहले तो सिकंदरबाग में मैं गया और सोचा था पाटा केक से ले लूँ एक केक, लेकिन शॉप मिल नहीं रही थी। मुझे लगा कि एक दूसरी शॉप वहाँ पे खुल गई उसकी जगह पे, तो मुझे लगा मतलब वो हट गई है, तो फिर मैं वहाँ गया नहीं। पता नहीं क्या मेरे दिमाग में सूझा, मैं वहाँ नहीं गया। मैंने सोचा वॉलनट से ले लूँ। अब वॉलनट गया तो वहाँ पर भी सारे केक ख़त्म हो गया था, और फिर जेजे गया जेजे में भी ख़त्म। फिर वहाँ से वापस फिर उसी शॉप पे गया जहाँ पे सबसे पहले गया था, लेकिन वहाँ वो दुकान ही बंद हो चुकी थी। अब यार समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, तो सोचा नीलकंठ चला जाऊँ। नीलकंठ गया वहाँ पे भी नहीं मिला। मिस्टर ब्राउन गया वहाँ पे भी नहीं मिला। अब गुड बेकरी गया, गुड बेकरी में 4-5 केक रखे हुए थे, तो मुझे लगा चलो यार अब तो मिल जाएगा मतलब यहाँ पर सब कुछ। अब वहाँ पर मैंने पूछा तो कह रहे सर ये ऑर्डर के केक हैं। फिर मैंने पूछा अब क्या करें, तो कह रहे सर आप आइसक्रीम केक ले लीजिए। अब आइसक्रीम केक लिया, इतना बड़ा मतलब इतना छोटा सा केक था, उसका डब्बा बड़ा था लेकिन केक इतना सा था उसमें, और वो 500 का था। तो यार मैंने सोचा लूँ कि ना लूँ, समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा यार पहले नीलकंठ से मिठाई ले लेता हूँ, अगर नहीं मिलता है कोई केक तो मतलब मिठाई तो काम आ ही जाएगी। तो मैंने नीलकंठ से मिठाई ले ली और वो आइसक्रीम केक नहीं लिया। और फिर मैंने गूगल मैप पे सर्च किया, मैंने कहा पाटा केक लॉक सर्च कर लेते हैं। देखो उसमें एक मतलब एक दुकान थी, तब मतलब 9:30 बज चुका था। अब मैंने देखा 10 बज रहा है, तो फिर मैंने कॉल किया उनको और पता लगा कि एक केक है वहाँ पे, लेकिन वो पाइनएप्पल था जितना मुझे चाहिए था, आधा किलो का वहाँ पे था। मैं गया लिया, मतलब यार 10 बज गया था सोचो, 8 बजे से निकला और मुझे पापा का वेट कर रहे हैं, वो लोग सो रहे हैं, मैंने जगा दिया अभी। मतलब जो आप कमरा देख रहे हैं इसको मुझे रेनोवेट कराना है, इसमें पीवीसी पैनल लगेगा पूरे रूम में, और वो जो वॉल देख रहे हैं आप उसमें मतलब डार्क शेड रहेगा, और जो अगल बगल वो लाइट कलर की पीवीसी पैनल रहेगी। जो नीचे जो लगा हुआ है इसमें अभी लगा हुआ है मैट बिछी हुई, वो मैंने ही बिछाई थी, गंदी सी लग रही है, बहुत ज़्यादा बेकार सी लग रही है, मैं दिखा भी नहीं सकता आपको, वो इतनी बेकार लग रही है। और इसको मैंने अभी 4-5 महीने पहले ही बिछाया था, मुझे समझ में नहीं आ रही, तो मैंने घर पे बोला कि मुझे इसमें टाइल लगवानी है, वो जो आजकल वुडन टाइल चल रही है मैं वो उसमें लगवाऊंगा, और वो काफ़ी अच्छी लगती है, दिखने में भी अच्छी लगती है। लाइट मैं लेके आया था क्योंकि ये जो लाइट है ये लाइट से मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ, काफ़ी सही लाइट है, इससे मुझे पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है कोई भी चीज़, क्योंकि ये जो लाइट है ये सीधा इस पर पड़ती है और फिर मतलब सही लगता है। ऐसे जो ऊपर वाला ये जो रॉड आप देख रहे हैं इससे ना पूरे मतलब चेहरे आँखों पे लगता था, तो उसकी वजह से आँखों में काफ़ी जलन होती थी। और मैं पीछे लाइट ले गया था इसमें लगाने के लिए, देखिए ये पूरा लगा हुआ है, और इसमें क्या हुआ था, इसमें रेड और ग्रीन कलर का मैं लेके आया था, लेकिन जो रेड वाला जो कलर है वो पता नहीं क्या हुआ, उसमें फक से आवाज़ आई और फिर मैंने बंद कर दिया, मैंने उसको दोबारा ऑन नहीं किया, और अभी इससे ग्रीन कलर ही चल रहा है, तो मैंने थोड़ा बहुत यहाँ तक भी लगा दिया इसमें। 3 hours later. तो यार आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई नो वीडियो में ज़्यादा कुछ खास था नहीं दिखाने के लिए, क्योंकि यार सैटरडे संडे को लॉकडाउन रहता है यूपी में, और मैं मंडे को आपको बहुत अच्छी जगह लेके चलूँगा। और अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।